हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ जो तमाम सियासी सरगर्मियां हो रही है उनसे भी इंटरटेन जरूर हो रहे होंगे। कहीं पर जलसे किए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, कहीं पर आने वाले इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं, सब कुछ जो है वो ओवरऑल आजकल हमारी सियासत में देखने को मिल रहा है, हर फ्लेवर जो है वो आपको नजर आएगा। लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा तहलका सामने आया जनाब। पहले तो हम जानते थे कि पैनामा केसेस अभी तक चल रहे हैं और वो केसेस अभी तक निपटे नहीं थे। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हों चाहे उनके बच्चे हों, आज तक इन केसेस को निमट रहे हैं और बहुत सी दीगर सियासी जमातों के भी कुछ रहनुमा हैं जो इन केसेस से निमटने के लिए अपनी कानूनी जंग जो है वो लड़े हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी हैं, फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में रही, लेकिन कल की आने वाली एक बड़ी खबर ने एक तहलका मचा दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत से तो कुछ बड़े बड़े नाम सामने आए ही हैं पैराडाइज लीक्स के जो दस्तावेजात सामने आई हूँ उसके बाद, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ बहुत बड़े नाम जो कि बैरूनी मालिक से भी सामने आए हैं, उनमें रेक्स लर्सन का नाम भी सामने आया, उनके वजारत तजारत का नाम भी सामने आया, फिर हमने देखा कि मलिका बरतानिया एलिजबेथ का नाम भी सामने आया और साथ ही साथ हमने देखा कि सुरों की सरकार मडोना हो चाहे बोनो हो, इनके भी नाम सामने आए। तो कल जो है वो इस खबर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो दो बड़े नाम सामने आए हैं उन बड़े नामों के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे मुशर्रफ दौर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे शौकत अजीज साहब, उनका नाम भी सामने आया जिनकी दो कंपनीज बताए जा रहे हैं ऑफशोर हैं। उसके अलावा साथ साथ हमने देखा कि अयाज खान नियाजी का नाम भी सामने आया है जो कि साबिक चेयरमैन थे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के। तो ये दो बड़े नाम पाकिस्तान की जानिब से आया, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ ऑफिशल्स हैं जिनके नाम मजीद भी सामने आ सकते हैं। तो ओवरऑल आज के शो में हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैनामा के बाद नया हंगामा जो खुला है, ये नया जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, इसके बाद अब किस किस की पकड़ होगी, मजीद क्या कार्रवाई होगी। ऑलरेडी पैनामा केस हमने देखा कि एक साल की दाखिल के बाद अभी तक इसके केसेस कुछ पेंडिंग है, लेकिन अब जो कि ये आ चुका है और ये वाला पेंडोरा बॉक्स खुला है तो इसके बाद अब किस किस की पकड़ धकड़ होती है, कार्रवाइयाँ किस तरह से होती है, ये सब हम इसके बारे में आज के शो में चले जी। पैनामा लीक्स के बाद अब पैराडाइज लीक्स भी आ गई है, तो इस पर जो भी अमल दरामद होगा वो तो देखा जाएगा, उसके मुताबिक अब नैब भी तारीख है और यहाँ जितने लोगों के नाम सामने आए हैं वो जवाब दे जरूर है। लेकिन अगर बात की जाए सियासी मैदान के हवाले से, तो सियासत के मैदान की अगर बात करें तो सियासत से जो खबरें हैं वो ये है कि जी आज भी कुछ केसेस हैं और आज चौधरी बरादरान जो है नैब कोर्ट में पेश हो रहे हैं और अहम पेशी है उनकी और उनके सामने वो जवाब देंगे कि आज उनके पास क्या प्रूफ है उनके असासाजात के हवाले से। दूसरा यह है कि इसाक डार साहब जिनकी एंजियोग्राफी हुई थी और उनकी जो डॉक्टर हैं उन्होंने अब उनको रिलीज कर दिया और अगले हफ्ते फिर बुलाया है उनको और एक दफ़ा फिर से उनकी चेकअप होगा। और अगर ओवरऑल कल की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इमरान खान साहब ने भी जलसा किया। दूसरी जानब अगर बात करें हम कराची की, तो कराची में एमकेएम पाकिस्तान ने कल जलसा किया, कल 6 बजे के करीब इनका जलसा जो है वो शुरू हुआ है और जो ये जलसा हुआ है इसके हवाले से अगर बात की जाए, अब देखना यह है कि जहाँ पर पाक जमीन पार्टी ये दावे करती है, ये बातें करती है कि जी एमकेएम पाकिस्तान अब अपनी जो साख है वो खो चुकी है, तो कल के जलसे में हमने देखा कि कल के जलसे में जो रिवायती वोटर है, जो रिवायती सपोर्टर है एमकेएम पाकिस्तान का, वो बाहर निकला और काफ़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में ये जलसा हुआ। तो अगर बात करें कि जी एमकेएम पाकिस्तान को हम इग्नोर कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितने भी लोग पाक जमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो ब्रांड नहीं है, उनके नाम पर शायद पाक जमीन पार्टी वो वोट कलेक्ट ना कर सके क्योंकि जो पतंग का वोटर है या जो पतंग का सपोर्टर है वो शायद आज भी उस जलसे में मौजूद था। और इसी हवाले से जो है हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। और अगर बात की जाए केसेस के हवाले से, तो कल फिर एक और अहम पेशी है, 7 नवंबर है और फिर मरियम नवाज कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड और मियां नवाज शरीफ ने पेश होना है और कल इस्लामाबाद में जो है इजलास भी तलब किया गया। तो गहमा गहमी की सी सूरत हाल है। ओवरऑल अगर सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब हमारा ब्रादर मुल्क है और डेफिनेटली सऊदी अरब में जो कुछ भी होता है तो उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पर भी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मुतारिक हो गया है और काफ़ी सारे शहजादों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। इस क्रैकडाउन के हवाले से, इस कार्रवाई के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब।
ऑफशोर कंपनियों का फिर शोर। पैनामा के बाद पैराडाइज लीक से हलचल। 1,34,00,000 दस्तावेजात मंजरेआम पर। बड़ी बड़ी शख्सियात के खुफिया सासे सामने आ गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल। अमरीकी वजीर खाजा रेक्स टिलर्सन, अमरीकी वजारत तिजारत मलिका बरतानिया लिस्बत और अर्दन की मलिका भी बड़ी दौलत की मालिक निकली। हर तरफ स्मोक और धुंध का गठजोड़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी का पहिया रुकने लगा। हद निगाह के बाइस हादसा, परवाजें मनसूख, ट्रेनें ताखिर का शिकार। घर से निकलते वक्त एहतियात ही बेहतरीन इलाज। चेहरा ढांपें, आंखों पर चश्मा लगाएं। कराची की आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया और बाकी 1.5 करोड़ आबादी को लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। हम धांधली शुदा मर्दुम शुमारी को नामंजूर करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान नई मर्दुम शुमारी के लिए कराची में आवाम की सड़कों पर निकल आए। फारूक सत्तार कहते हैं मर्दुम शुमारी नहीं, आदमखोरी की गई, 1.5 करोड़ आबादी को लापता। खबर है वो सरबरा सुप्रीम एंटी करप्शन कमेटी और इस्लाह पसंद वली अहद शहजादा मोहम्मद का हुक्म। हमने देखा कि सऊदी अरब यूजुअली वहाँ से खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा सऊदी अरब मुतहरिक है, सऊदी अरब चीज़ों को बहुत फोकस कर रहा है, वहाँ पर बादशाहत जो है वो चेंज हुई है। लेकिन एकदम से उन्होंने एंटी करप्शन कमेटी बनाई और एकदम से इन तमाम शहजादों के नाम सामने आए और उस पर बादशाह ने हुक्म भी जारी कर दिया कि इनके खिलाफ जो जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके लिए तहकीकात की जाएँ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूजुअली कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि ये शाही ख़ानदान के अपने ही खिलाफ कोई साजिश है, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में ये शहजादे जो हैं इन इस तरह की करप्शन में मुलविस हैं। तो इस हवाले से ये खबर जो है वो सऊदीया से सामने आई है और अब देखना यह है कि इन शहजादों के खिलाफ मज़ीद क्या तहकीकात होती है, मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लगभग 900 के करीब जो है सऊदी शहजादे हैं और उसमें से अगर एक एक करके इन तमाम के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है करप्शन की वजह से तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। लेकिन एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है क्योंकि इन्हीं शहजादों के ऊपर ये इल्जाम भी लगा था कि ये जो बैन तंजीमें हैं, कलदम तंजीमें हैं, उनको शायद फंडिंग भी कर रहे हैं। तो उस हवाले से अब हम आज के शो में बात भी करेंगे आगे चल के मजीद इसके ऊपर किस तरीके से इस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के इस हुक्म को देखा जा सकता है। तो ये खबर जो है जंग ने पब्लिश की है सऊदी अरब के। चलिए जनाब, सेम यही खबर यहाँ पर लगाई गई है कि सऊदी अरब में करप्शन पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। 11 शहजादों के नाम सामने आए हैं और इस हवाले से तफसील आपको सब अपडेट कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ आज के दिन की होने वाली एक्टिविटीज के हवाले से आपको जरूर अपडेट करेंगे कि सेनेटर कौमी असेंबली का इजलास, जैसे कि मंडे है, वर्किंग डे आता है, तो उसके साथ साथ ये एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती हैं। तो कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास आज होने जा रहा है और नई हलका बंदियों और कौमी असेंबली में सूबों की नशस्तों में जो तमाम रद्दबदल किया जाएगा, इस हवाले से आज जेर इल्तवा आईनी तरमीम का बिल पेश करने के लिए भी सामने इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको बताएं कि ओवरऑल ये जो तमाम सिचुएशन है नई हलका बंदियों के हवाले से और नशस्तों में तो बदल के हवाले से, इस सब पर बातचीत करने के लिए और ओवरऑल जो क्यादतें हैं वो मुख्तलिफ बैठी हैं, लेकिन नून लीग की क्यादत जो है वो आज नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बैठेगी और बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज शाम इस्लामाबाद में सदारत में जो ये ओवरऑल बैठक लगने जा रही है। एक तो ये हमारे पास आज की अहम और बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो आज पहले तो हम देख रहे थे कि शरीफ बरादरान और अब हम देख रहे हैं कि चौधरी बरादरान के खिलाफ भी कुछ घेरे तंग होते नजर आ रहे हैं। आज ये दोनों जो हैं वो नैब के रूबरू पेश होंगे। इनके खिलाफ जो तमामदा तहकीकात का अमल है 2001 में शुरू किया गया था, लेकिन अब उसके बाद आज इन्हें दोबारा तलब किया गया है और ये दोनों नैब के रूबरू पेश होंगे। अच्छा, ये तो तमामदा सियासी एक्टिविटीज़ है, लेकिन खेलों के मैदान से भी कुछ खबरें हैं जो जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। खेलों के मैदान में हमारे जो अच्छी और बड़ी खबर है वो ये कि 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है और पाकिस्तानी टीम की क्यादत जो है वो कप्तान मोहम्मद इरफान कर रहे हैं, जो कि बहुत पुरउम्मीद है इस हॉकी टूर्नामेंट के लिए। तो हम भी अपनी पूरी टीम को बहुत सी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि वो इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, डेफिनेटली कामयाबी जो है वो इनका मुकद्दर होगी। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पर जो खबरें काफी सीरियस खबरें और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई, तो हल्का बंदियों के हवाले से बात हुई, जिसमें आपको शायद याद हो कि सबसे पहले हम लोगों ने ये पॉइंट उठाया था गुड मॉर्निंग आज से कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो अब काफी मुतहरिक हो चुका है और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जहां जोर दे रही हैं 18 के इलेक्शंस पर कि हमने जीतना है तो पहले वो आईनी तरमीम तो कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर 10 नवंबर तक ये तमाम चीजें रैपअप नहीं की गई तो खुदा ना ख्वास्ता जो इलेक्शन हैं वो लेट हो सकते हैं, अपने वक्त पे ना होंगे। तो साद रफीक साहब जो है उन्होंने इमरान खान को यही मशवरा दिया है कि आपने जितनी तनकीद करनी हो, जितनी गालियां देनी हो आप हमें दे लें, लेकिन कम से कम आप 10 नवंबर से पहले बैठकर बात करें और आईनी तरमीम कर लें। और दूसरी एक खबर जो कि हमने देखा कि जरदारी साहब और नवाज
शरीफ के हवाले से की जा रही थी, जो कि हमने आपको बताया था कि बैकडोर रबते करने की कोशिश की जा रही है, तो वो बात मंजर यहाँ पर आ गई है। ख्वाजा आसिफ ने बिलाखिर कन्फेस कर ही लिया है कि उन्होंने रबते कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जरदारी साहब इस दफ़ा बात नहीं कर रहे हैं। और एतजाज़ हसन जो है वो कहते हैं कि जी ये मुकाफाते अमल है, इस तरह से तो होगा, क्योंकि जब नून लीग ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी तो जरदारी साहब नहीं मान रहे थे, जब जरदारी साहब ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी तो नून लीग नहीं मान रहे थे, 2015 में भी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, और उसके बाद फिर बहुत सारे मसाइल आ गए, डॉक्टर आसिम हुसैन आ गए, अयान अली का मसला आ गया और दीगर बड़े मसले थे, मिसाक जमहूरियत के मसले थे, तो इस वजह से अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है बज़ाहिर दूरियाँ हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। तो एक खबर तो ये थी, और दूसरी खबर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो मेन लीड है वो अमरीका के हवाले से लगी है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अमरीका चर्च पर फायरिंग, 27 अफराद हलाक, फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, हमला आवर जो है वो मारा गया। और इस तरीके से अमरीका में कार्रवाइयाँ होना बिल्कुल तश्वीशनाक है, क्योंकि उनकी CIA की बात की जाए या US आर्मी की बात की जाए या उनकी इंटेलिजेंस की बात की जाए या फिर उनके चेक एंड बैलेंस की बात की जाए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। एक एक बंदे के नाम को वेरीफाई करके अगर किसी ने कैनेडा से US भी जाना है तो उसके लिए वेरीफिकेशन होती है, लेकिन इस तरह के वाकयात होना तो अमरीकी जो इंटेलिजेंस है, अमरीकी जो सिक्योरिटी है, उस पर भी सवालिया निशान है। तो डोनाल्ड ट्रंप को डू मोर करने की ज़रूरत अमरीका के अंदर ही है, अफसोसनाक वाकया है। और अगर मर्दमशुमारी के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली फारूक सत्तार ने जो जलसा किया है, अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया है कि जी मर्दमशुमारी में आबादी जो है सही काउंट नहीं की गई है, तो दोबारा से मर्दमशुमारी कराया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इलेक्शन शायद खुदा नख्वास्ता तातुल का शिकार हो सकते हैं। चले जनाब, सबा ने यहाँ पर एक अमरीका की बात की और वाकई में अमरीका में अफसोसनाक वाकया पेश आया है टेक्सस में, जिसके बाद अमरीकी सदर जो कि ऑलरेडी अभी जापान में मौजूद है, उनकी जानिब से भी बयान सामने आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मैं जापान में रहते हुए भी तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मॉनिटरिंग डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ही गन कंट्रोल करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए रोज़ वहाँ पर फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सदर ट्रंप के हवाले से बताऊँ, जैसे कि वो जापान में मौजूद है, तो डेफिनेटली जापान में वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने एशियाई ममालिक का दौरा शुरू कर दिया और अपने इन एशियाई ममालिक के दौरे का आगाज़ ही जापान से किया। तो इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक होंगे और उसके बाद उनसे कुछ जो रबते हैं वो ज़रूर किए जाएंगे, तो ये एक अहम खबर यहाँ पर मैंशन है। इसके अलावा जनाब, एक और डेवलपमेंट जो यहाँ पर हुई है खबरों में वो ये है कि हसन और हुसैन नवाज के 32 लाख से जायद के शेयर जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये लोग हाजिर ही नहीं हो पा रहे किसी भी पेशी में, जिसके बाद इनके असासे भी मुंजमद करने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी और फिल आखिर ये असासे भी मुंजमद होना शुरू हो गए हैं। तो जनाब, ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमारे पास थी आज के अखबारों में। आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहाँ वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। इस्लामाबाद से सबसे पहले वसीम रज़ाक से हम अपडेट हासिल करेंगे, शहर इक़्तदार में क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हो रही हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अगर बात करें शहर इक्तदार वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन में अलीम खान का केस है, उसकी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नैब की जानब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कैप्टन सफदर की जमानत मनसूखी के हवाले से उनकी जानब से ये दरख्वास्त है, उसकी समाअत आज होगी। आज जो है हुरियत कॉन्फ्रेंस जो है उनकी जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी I-84 में, और इसके साथ आज वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ वो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल उनकी पेशी है एहतसाब अदालत में। तो आज सियासी सरगर्मियों का जो महवर है वो पंजाब हाउस बनेगा, आज दिन में किसी भी वक्त उनकी आमद मुतवक्के है, और जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो यही उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो पार्टी का इजलास है वो भी वहां पर हो सकता है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है ये हल्का बंदियों के हवाले से आज इजलास होगा, और आज पाक अमरीका तल्लुकात के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ख्वाजा आसिफ शिरकत करेंगे। अलामा इकबाल के हवाले से बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें राजा जफरुल हक आज शिरकत करेंगे। अगर इसके अलावा पार्लियामेंट और सेनेट की जो मुतफ़ अमूर की जो कमेटियां हैं वो भी आज होंगी। अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें, इस्लामाबाद में इस वक्त धूप निकली हुई है और धूप आज जो है गर्मी की शिद्दत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप धूप में जाकर बैठते हैं तो धूप आजकल जो ऐसा मौसम है कि धूप में बैठना अच्छा लगता है। जी ठीक है, वसीम रज़ाक अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। बैठक पे बैठक, नून लीग का एक इजलास और फिर दूसरा इजलास, एक बैठक हुई रही है लंदन में जहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, और दूसरी बैठक आज होगी पंजाब हाउस में। देखते हैं क्या क्या जो है वो अगले लाहेमल तय होते हैं और कल के लिए क्या तैयारी करके आते हैं नवाज शरीफ साहब। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ तारिक खान मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिए। जी लाहौर में थोड़ा सा अगर मौसम की बात की जाए तो धुंध और स्मोक का जो है वो राज अभी भी कायम है,
और महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों का फिलहाल फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है, जब तक बारिश नहीं होती और स्मॉग और धुंध जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ अगर एक्टिविटीज़ देखें तो अहम एक्टिविटी जो करप्शन के हवाले से है, जो खबरों की जीनत बन रही है इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी, तो चौधरी ई बरादरान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आज नैब में पेश होंगे। उनके खिलाफ 2002 में मुशर्रफ दौर में जो हैं जायद आमदन और असासे बनाने के हवाले से जो तहकीकात थी वो उस हवाले से वो पेश होंगे। ये केस बनाया गया था लेकिन वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से जब एक्टिवेट हुआ है रीएक्टिवेट, तो उसको दोबारा से आज उनकी पेशी है वो पेश होंगे। बताइएगा कि आपकी कोई बात हो सकी है इस हवाले से चौधरी बरादरान से, उनका कोई मौकफ सामने आए? जी अभी तक तो चौधरी बरान का कोई खास मौकफ सामने नहीं है, लेकिन उनका ये मौकफ के अभी तक वो पेश होंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं। इसके अलावा उनके साथ साथ जो डार हैं इसहाक डार साहब, उनकी फैमिली को भी तलब किया है नैब ने आज ही की डेट में, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो इस हवाले से पेश ना हो। ये तमाम पेशियाँ बिल्कुल आप जो बता रहे हैं कि आज नैब के रूबरू ये पेश होंगे, जो तमाम डेवलपमेंट होगी उस हवाले से अपडेट्स आपसे हम लेते ही रहेंगे। ये बताएगा कि मौसम के हवाले से बड़ी अफवाहें आ रही है इस वक्त पंजाब के बारे में और पंजाब में स्मोक का काफ़ी ज़्यादा राज है, ये बताइएगा कि ज़मीनी रवाबित जो है वो कहीं पे मुअत्तल तो नहीं हो रहे? इस साथ साथ फ़िज़ाई तौर पे भी बताइएगा कि कोई फ़्लाइट्स वगैरह में तो तातुल का शिकार नहीं? जी क्योंकि लाहौर में अगर हम देखें तो स्मोक का राज जो है वो पिछले चंद दिनों से कायम दायम है और यहाँ पे जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है वो शदीद तौर पे मुतासर हो रहा है। जो बैरूनी मुल्क से फ़्लाइट्स आती हैं उनको भी यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाता है, इस्लामाबाद या किसी और शहर में जो फ़्लाइट्स हैं वो उतारी जाती हैं और उसके बाद उनके मुसाफिरों को और ट्रैवल करके लाहौर पहुँचाया जाता है। अगर हम मोटरवे पर देखें तो वहाँ पर भी जो हद सफ़र है वो सिफर हो चुकी है, तो वो मोटरवे भी कई मुकाम पर बंद कर दी गई है, तो वहाँ पर भी सिटी रोड जो है वो अवेलेबल है, कई मुकाम पर बंद कर दी गई है और फोग और स्मोक ने पूरे पंजाब को पेट में लिया हुआ है। और तर्जुमान मोटरवे का यही कहना है कि आगे आपने येलो लाइट्स लगानी है और पीछे जो है आपने रेड लाइट लगानी है। और एक और बात, जब भी पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है चाहे वो पोल्यूशन के हवाले से मौसम के हवाले से क्यों ना हो, उसकी डेफिनेटली कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में होती हैं। अभी ये खबर सामने आई, नासा ने ये खबर दी कि जी भारत के अंदर दिल्ली के अंदर स्पेशली जो फसलें जलाई जा रही हैं, जो धुआं धूल मिट्टी वहाँ लोग उड़ा रहे हैं, उसका असर पंजाब में आ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब में लोग गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, स्मोक ज़्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर पंजाब में स्मोक है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार भारत पर भी है और भारत को चाहिए कि वो अपनी फसलों को जो है वो इस तरीके से ना करे, वो अपने साथ जुल्म ना करे और अपने पड़ोसियों पर भी जुल्म ना करे। स्मोक के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी अनब कुछ कह रही है। बिल्कुल जनाब, नासा की जब से रिपोर्ट सामने आई है पहले तो ये समझा जा रहा था कि भारत की जानिब से ये जो धुआं आ रहा है ये सिर्फ अफवाहें हैं और पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ के ऊपर एक एज ले रहा है, लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से ये बात वाजे हो गई है कि जो तमाम सूरत हाल है उसका जिम्मेदार सब में भारत भी है। एनीवे अपने तौर पर आपको एहतियात करनी बड़ी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए और गैर जरूरी घर से बाहर न निकले, क्योंकि इस वक्त मरीजों की तादाद में भी काफी इजाफा हो रहा है अस्पतालों में, वहां से भी अपडेट लेंगे और साथ साथ डीजे मेट को भी हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ शो में लें और जाने की आखिर बारिश जो है वो लाहौर में या पंजाब में कब होगी ताकि हमारी जान जो है वो इस स्मोक से छूटे। एनीवे यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। बाद है ऑफशोर कंपनीज का पूरी दुनिया में कि जो शायद अभी हमने 20% भी अनर्थ ना किया हो, तो 80% तो अभी बहुत ज्यादा बाकी है। ठीक। दूसरी बात ये है कि देखें जो पनामा लीक था उसका जो इम्पैक्ट था वो इंटरनेशनली यूं तो बड़ा था कि तकरीबन दुनिया में 80 ममालिक में जो है वो उस पर तहकीकात हुई और उसके नतीजे में आइसलैंड के वजीर आजम को जाना पड़ा, पाकिस्तान के वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा, बरतानवी वजीर आजम जो उस वक्त के थे उनको जो है वो पार्लियामेंट में आके अपनी सफाई देनी पड़ी और बाकी मुल्कों में उस पर टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो शुरू हुई। लेकिन जो पैराडाइज लीक है उसका जो ज्यादा असर है वो अब नॉर्थ अमेरिका यानी जिसको हम कनाडा और अमेरिका और यूरोप इसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में टैक्स इवेजन जो है वो कोई बहुत बड़ी अभी तक उसको जुर्म नहीं गर्दाना जाता, आम आवाम भी उसको जो है वो कोई जुर्म इतना नहीं गिनती है, लेकिन अमेरिका और जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको हम कहें जिसमें अमेरिका और यूरोप कनाडा ये ममालिक शामिल है, वहाँ पे टैक्स इवेजन एक बहुत बड़ा इशू है। यानी ये इतना बड़ा इशू है कि जिसकी बुनियाद पर आपका पूरा सियासी जो कैरियर है वो दाव पे लग सकता है बल्कि ख़त्म हो सकता है, और ये माजी में आप देखती रही है। अच्छा, एक हम जो अपने नाजरीन है उसको कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं और क्यों इनका
इनका मतम नजर क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये होती है कि कोई भी ऑफशोर कंपनी जो होती है वो उसके मुतल्लिक फौरी तौर पर ये कह देना कि वो गैर कानूनी है, ये एक कबल अज वक्त बात होती है। इसमें मसला ये होता है कि क्योंकि जैसे अब मैं लोगों को ये समझाऊं कि एक बार होता है तो लोग बार के मुतल्लिक एक ही चीज समझते हैं कि यहाँ पे शायद वो एक मखसूस यानी शराब ही वहाँ पे शायद अवेलेबल होती है, जबकि लोग वहाँ पे खाना खाने भी जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि चूंकि बार का नाम इतना वो बदनाम है तो सबसे पहले लोगों की जो तवज्जो है वो उसी तरफ जाती है कि भाई तुम किसी और जगह भी जा सकते थे, तुम्हें ये मतलब एक बार ही मिला था इस काम खाना खाने के लिए। तो ऑफशोर कंपनी दो चीजों के लिए बनाई जाती है, एक तो होती है जो मेनली पर्पज होता है कि जो आपकी नाजायज आमदनी होती है उसको छुपाने के लिए, और दूसरा होता है कि अगर आपकी जायज आमदनी भी है लेकिन आप टैक्स जो कि अरबों डॉलर होता है उससे बचना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये जितने लोग हैं जिनके नाम इसमें आए हैं और उनमें उसका जो इम्पैक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि बर्तानिया और अमेरिका पे क्या होगा, क्या होगा? कि पहले तो देखें अमेरिका का समझते हैं कि अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से दो ममालिक बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे तो एक अमेरिका होगा और दूसरा बर्तानिया होगा। अमेरिका में इलेक्शन से पहले ही एक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक सर्द जंग जो है वो जारी है। और अब इसमें जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 13 करीबी साथी जिनमें सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन और जो उनके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं यानी तिजारत के जो जिसको तिजारत अपनी जबान से कहें वो है, ये दो बड़े उनके अहम लोग हैं यानी एक उनकी तजारती पॉलिसी के निगरान है और एक उनकी खारजा पॉलिसी के निगरान है, उन दोनों का नाम जो है वो इसमें आ गया। अच्छा सर, अमेरिका के हवाले से आप बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो जो 13 लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन आप देखें कि क्वीन एलिजाबेथ का नाम भी इसमें है, तो क्या कहता है बर्तानिया का लॉ इस हवाले से जो पैराडाइज लीक्स आई है? जी, दूसरा मैं बर्तानिया की तरफ आने वाला था, सिर्फ मैं एक जुमला पूरा कर दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी, और क्योंकि एक इंक्वायरी होगी और इन तमाम हजरात को पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अव्वल तो ये रकम जायज थी, लेकिन अगर वो ये रकम प्रूफ कर भी दे तो उसके बाद भी उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने टैक्स नहीं बचाया। अब आइए बर्तानिया की तरफ, देखिए बर्तानिया में जो बादशाहत का इंस्टीट्यूशन है वो एक बड़ी मुकद्दस हैसियत रखता अब तक भी है, इसके बावजूद कि वहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गई है कि 21वीं सदी में इस इंस्टीट्यूशन की गुंजाइश नहीं, लेकिन बर्तानिया जो कि जमहूरियत की माँ कहलाती है इसके बावजूद वहाँ बादशाहत के इंस्टीट्यूशन को कायम रखा गया। बल्कि बर्तानिया को कई कंसेशन हासिल है यानी उनको इस्तिस्ना हासिल है बरतानवी जो अदालती निजाम या जो है उसमें, लेकिन एक हद तक है, यानी ये नहीं है, आपको इस तरह दिनों पता होगा कि मलका बर्तानिया का ट्रैफिक की वायोलेशन करते हुए चालान भी हुआ था, तो यानी वहाँ पे कानून में जहाँ कुछ इस्तिस्ना है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ उससे कहीं ज्यादा है, मतलब ये लोग भी टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होते? नहीं नहीं, टैक्स एग्जेम्पशन से कोई बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है, मलका बर्तानिया को दो चीजें प्रूफ वही करनी पड़ेंगी कि ये रकम कहाँ से आई, 10 मिलियन पाउंड। दस मिलियन पाउंड कोई मतलब मामूली रकम नहीं होती है, तो पहले तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या जरूरत पेश आई उनको ऑफशोर कंपनीज में। अच्छा, अभी सब जितने बड़े बड़े ये नाम आए हैं, चाहे वो मलका एलिजाबेथ हो, चाहे सदर ट्रंप के जो कुछ काबीना के लोग हो वो हो, या फिर बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम इस बार हमने देखा, इवन कैनेडा की भी हम देख रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो के भी कुछ करीबी साथी उसमें शामिल है, तो ये जितने बड़े बड़े नाम आए हैं डेफिनेटली कार्रवाइयां तो होंगी, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन पेपर्स को चैलेंज किया जा सके, या फिर सिर्फ आप जस्टिफाई रिजाइन कर सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए, चैलेंज करने का तो बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैंने आपसे शायद कल रात की ये बात की थी जब ये लीक्स आई थी कि देखिए ये अब जो इन लोगों को चैलेंज उस वक्त किया जाएगा कि जब मैं ये समझूं कि मैं गलत नहीं हूँ, तो जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी उस वक्त उनके बेटों के खिलाफ बात आई थी तो कई प्रोग्राम में जो मुस्लिम लीग नून के लोग मिलते थे तो वो यही कहते थे कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, तो उस वक्त भी हमने उनको ये कहा था कि इतना आसान हल है कि अगर आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर दें अमेरिका में तो वो पाकिस्तान की कोर्ट्स नहीं है कि कोई 20 साल मुकदमा चलेगा, वो डिफेमेशन लॉज बड़े सख्त है, आप $1 अरब का उनके खिलाफ हर्जाना करें दो चीजें हो जाएंगी, आप फौरी तौर पर एक्सोनरेट हो जाएंगे कि आपके खिलाफ मुल्की अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा क्योंकि कानून के मुताबिक एक मुकदमा दो अदालतों में नहीं चल सकता, और दूसरा $1 अरब भी मुल्क में वापस आ जाएगा, तो वो जाहिर बात है कि ऐसी बात थी नहीं, वो सब चीजें सामने थी, वो कतरी खत
वैसे आपको पता है शायद कि कतरी खत भी जो बेचारा है वो भी फंस चुका है और लगता है कि अब वो नवाज शरीफ साहब से खत लिखवाएंगे जवाब के तौर पे। नवाज शरीफ, अच्छा पैराडाइज लीक्स की ही बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हमारे ही अपने मुल्क की, जिनके दो बड़े नाम आए हैं, शौकत अजीज साहब और चेयरमैन अयाज खान साहब, इनके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सर आप हमारे साथ लाइन पर रहेगा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पैराडाइज लीक्स के हवाले से। पैराडाइज लीग्स के मुताबिक वजीर खजाना पाकिस्तान बनने से कुछ पहले शौकत अजीज ने डेलावेयर अमरीका में ट्रस्ट कायम किया जिसे बरमूडा से चलाया जा रहा था। बतौर वजीर खजाना और बतौर वजीर आलम शौकत अजीज ने कभी ये असासे जाहिर नहीं किए। शौकत अजीज के वकील का कहना है कि शौकत अजीज को अपने ट्रस्ट पाकिस्तान में जाहिर करने की जरूरत नहीं थी। उनके वकील ने ये भी कहा है कि शौकत अजीज की अहलिया और बच्चे भी बेनिफिशियरी थे, बेनिफिशियल मालिक नहीं। शौकत अजीज पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खजाना रहे। 1999 में शौकत अजीज वजीर खजाना मुकर्रर हुए। 28 अगस्त 2004 को वजारत उस्मा का कलमदान संभाला। 15 नवंबर 2007 को बतौर वजीर आजम सुबकदोश हो गए, जिसके बाद शौकत अजीज बैरून मुल्क मुकीम है। साथ ही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साबिक चेयरमैन अयाज खान नियाजी का नाम भी सामने आया है। अयाज खान नियाजी के ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में 4 ऑफशोर असासे सामने आए हैं। ये सब कंपनियां 2010 में कायम की गईं, जब अयाज खान नियाजी NICL के चेयरमैन थे। अयाज नियाजी के दो भाई हुसैन खान नियाजी और मोहम्मद अली खान नियाजी बेनिफिशियल ओनर थे। अयाज नियाजी, उनके वालिद अब्दुल रज़ाक खान और वालदा नाम बतौर डायरेक्टर हैं। अयाज नियाजी को फरवरी 2009 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। बैंकिंग या इंश्योरेंस की तालीम या तजर्बा न होने के बावजूद तकरर हुआ। अयाज नियाजी का नाम NICL करप्शन केस में भी सामने आया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने NICL करप्शन का नोटिस लिया। इन्हें अक्टूबर 2010 में जबरी रुख्सत पर भेजा गया। नवम्बर 2010 में अयाज नियाजी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। इन्हें दिसम्बर 2011 में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया था। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आमिर लतीफ साहब, आपसे मजीद बात करेंगे। बात करी थी मैं शौकत अजीज के नाम के हवाले से, जो पाकिस्तान के ये दो बड़े नाम सामने आए हैं। सर आप क्या देखते हैं कि इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन तो जरूर की जानी भी चाहिए। जैसे आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते ही अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जिनकी ओरिजिनल पिटीशन थी जो पनामा लीक्स में 456 लोगों के नाम थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना ये तासुर जाएगा कि ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ या एक खानदान के खिलाफ हुई है। तो उन्होंने दोबारा उसको अपनी याद दहानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मीडिया का प्रेशर है और जिस तरह एक सजा बन चुकी है वो ये सारी चीजें होंगी। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि देखिए जो शौकत अजीज या सरदार अयाज खान नियाजी साहब का, अयाज खान नियाजी साहब को तो आम लोग जानते भी नहीं है, लेकिन शौकत अजीज साहब का भी नाम कोई बड़ी चीज नहीं है इनमें। यानी मैंने पाकिस्तान पे इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि शौकत अजीज जो है वो ना तो उनकी कोई पाकिस्तान में पोलिटिकल बैगेज है, ना कोई उनका पोलिटिकल मुस्तकबिल है और ना ही कोई आपको उनका रोल जो है वो नजर आता है। तो वो मतलब उस जमाने में भी वजीर आजम होते हुए भी सिर्फ वजीर खजाना ही थे, ज्यादा कोई उनकी हैसियत नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, अभी तो ये दो बड़े नाम हैं ना जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि बड़े नाम नहीं है, फिर भी चले इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी साथ साथ ये भी कह दिया गया है लीक्स के आने के बाद कि कुछ जर्नल्स हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं जिनके नाम अभी आगे आने वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको पहले से ही पता हो किस तरह की लीक सामने आ रही है, जिन लोगों की ऑफशोर कंपनी ऑलरेडी है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनके लिए कोई स्केप निकल सकता है, कोई रास्ता बचता है कि बस अब पकड़ धकड़ ही होगी? देखिए दो चीजें समझते हैं। एक तो चीज ये है कि अगर एक चीज कोई सामने आ गई और उसके बाद कौन सा रास्ता निकलता है, तो ये जो कानून होते हैं ये हमेशा पाकिस्तान या दुनिया भर में इलीट क्लास ही बनाती है और इलीट क्लास के लिए ही बनाए जाते हैं। तो वो कोई ना कोई ऐसा लैक्यूना जरूर रखते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होती है कि जिसकी बुनियाद से वो कहीं ना कहीं उनको सेफ पैसेज मिल सकता है। कई दफा मिल जाता है और कई दफा नहीं मिलता, ये दुनिया का काम है। अब दूसरी बात यह है कि वो लीक्स आने से कैसे रोके, तो मेरी नाकिस राय में इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। यानी इसका टू एज सोर्ड, दो धारी तलवार है कि आप अब इन चीजों से जो है वो बच नहीं सकते। जो चीज रिकॉर्ड में आ गई उसके बाद, यानी
ये जो डाटा जर्नलिज्म है ये बड़ी ही खतरनाक एक चीज आई है, और डाटा जर्नलिज्म के नाम पे आप एक्सट्रीम हद तक जा सकते हैं और कहीं भी कंप्यूटर्स में घुस के वो तमाम मालूमात निकाली जा सकती है कि जो शायद वैसे आप आम आदमी उसको या आम जो शख्स अदालती आम लोगों तक जिसकी रसाई नहीं होती ना हो सकती है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें अब इससे मुस्लिम लीग नून का गिला तो कम अज कम दूर हो गया होगा, जो कि पनामा पेपर्स को कोई यहूदी साजिश और बैन अक्वामी साजिश कहते थे पाकिस्तान को तबाह करने की, तो इस दफा तो पाकिस्तान को बख्श दिया है उन्होंने, बल्कि इस दफा तो उन्होंने अपने जो सारे बड़े बड़े जुगादरी। अच्छा सर, ये एपिसोड वाइज ये लीक्स जो है वो आ रही है, पहले पनामा लीक्स आई, फिर उसके बाद हमने देखा की कुछ और पेपर्स भी रिलीज किए गए थे ICIJ की जानिब से, और अब ये पैराडाइज लीक्स है, तो आपको क्या लगता है की जब ये लीक्स आ रही है इनका सिलसिला शुरू ही हो गया है और एक डेटा कलेक्शन का भी सिलसिला है, तो ओवरऑल अब इसके हवाले से मुल्क में बाकायदा तौर पर कानूनी हिकमत अमली कर देनी चाहिए की जिन जिन के नाम आ रहे हैं उनको इस तरीके से आप एहतसाब के सामने बिठाएं और फौरन से आप फैसले करें, ये ना करें कि आप आज समाप्त कल समाप्त फिर समाप्त, तो ये ड्यूरेशन जितना लंबा होगा लोगों का मोराल उतना हाई होगा, लोग फिर छुपाएंगे। ऑलरेडी साल हो चुका है सर। बिल्कुल दुरुस्त बात है, देखिए असल में क्योंकि एहतसाब का मौसर निजाम अभी तक नहीं बन पाया है, और शायद मैं अगर ये कहूँ की पूरी दुनिया में ही नहीं बन पाया, लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नीचे की जो ममालिक है उनमें नाम आता है, बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है, एटलीस्ट ये होता है कि जिन पे इल्जाम होते हैं तो उनको उस वक्त तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनने दिया जाता जब तक वो उससे क्लियर ना हो, लोग इस्तीफे दे देते हैं, और एक निज़ाम बहरहाल पब्लिक प्रेशर है हमारे यहाँ, शायद अभी वो जो करप्शन पे जो पब्लिक प्रेशर बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाया, ये एक तब्दीली पिछले एक साल में आपको नजर आई होगी, और वो भी मैं नहीं समझता कि उसमें कोई आम लोगों का हाथ है, उसमें मैं क्रेडिट मीडिया को देता हूँ, मीडिया ने इतना मामले को जो है वो उठाया और चीजें वो एक नेशनल डिबेट बन गई, लेकिन आम लोगों में अगर आप अभी भी बात करें तो मुझे बड़ी यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आम लोग करप्शन को उतना बड़ा मसला नहीं समझते, और उसको बस ये समझा जाता है कि ठीक है जी वो अगर उन्होंने कुछ खाया है तो कुछ लगाया भी तो है, ये एक आम बंदे की जो है ना वो ये होती है, तो ये एक कोई अच्छी चीज नहीं है कि जिसपे पाकिस्तानी की हैसियत से हम फखर कर सकें, वक्त आ गया है कि इन लॉज को मजीद सख्त किया जाए, अब दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की और उसकी जैसे जैसे सिक्योरिटी इश्यूज हुए, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग भी क्या थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़े मुल्कों का एक फिनोमिना था, उन्होंने ही बनाया हुआ था, वही सब चीजें करते थे, लेकिन जब उनकी सिक्योरिटी पे जद पड़ी तो फिर जाके उनको ये ख्याल आया, मतलब उससे पहले वो सारे पैसे अपनी तरफ आने देते थे ना, क्योंकि उनको सारा सरमाया। आमिर साहब, ये तो तमाम नाम जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल जो ये खबर आई है उसके आने के बाद कुछ लोग बड़े ही ताज्जुब में चले गए, बहुत ही ज्यादा वो सरप्राइज हुए जब जस्टिन ट्रूडो का नाम भी उसमें सामने आ गया, बड़े लोगों के दिलों की जान है वो, और उसके बाद उनका जब नाम सामने आया, फिर क्वीन एलिजाबेथ हो इनका भी नाम सामने आया, क्या समझते हैं आप इस तरह की पर्सनैलिटीज के जब नाम सामने आए तो ओवरऑल आलमी सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए एक तस्वीर कर लें, जस्टिन ट्रूडो का नाम नहीं है इसमें, उनके कुछ करीबी साथियों का नाम है, उनका नाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं समझता हूँ कि शायद जस्टिन ट्रूडो के नाम आने से भी वो हलचल नहीं मचती जो हलचल मलका बरतानिया के नाम आने कहा कि वो जो है एक मुकद्दस उनकी एक जिसे कहते हैं ना एक बहुत वो है कि बरतानिया में आप हमारे बात क्वीन के और कुछ हजरत बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब, जब ये पैराडाइज लीक्स आई थी तो सबसे पहला नाम जब सुना तो उसके बाद फोकस मलका बरतानिया पे ही जा रहा था कि मलका बरतानिया ने ऑफशोर कंपनी बनाई है, पहला सवाल ये जहन में आ रहा था कि उनको क्या जरूरत थी, वो तो पहले ही माशाल्लाह से क्वीन है जी, उनको ही अब ये करनी पड़ेगी, अब मुमकिन है कि वो किसी ऐसे कानून का सहारा ले लें कि जिसमें टैक्स मैनेजमेंट के नाम पे, मैंने आपसे कहा ना कि ये फौरी तौर पे कह देना कि ये सारा काम जाली है, ठीक है, हर ऑफशोर कंपनी को आप जाली नहीं कह सकते जी, नहीं कह सकते, तो ये हमने जब पनामा लीक आया था तब भी हमारा पहला नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक भी यही था कि हम कतई तौर पर नहीं कह रहे कि ये इन्होंने गैर कानूनी पैसों से बनाई है, वो फिर अदालत में चूके सरकार के हवाले से, तो फारूक सत्तार का यही कहना है कि हल्का बंदियों के हवाले से तो बात बाद में की जाएगी, पहले तो हम मर्दमशुमारी की बात करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ आबादी को तो गिना गया है लेकिन बाकी 1.5 करोड़ को जो है वो नहीं गिना गया, तो मर्दमशुमारी यानी सेंसस जो है वो दोबारा से कराया जाए ऐसा उनका मुतालबा है, और साथ साथ पीपल्स पार्टी भी कुछ मिला जुला ही ऐसा ही कह रही है, तो उनके तहफ़ुज़ात हैं और आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, थैंक
कराची की आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया और बाकी 1.5 करोड़ आबादी को लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। हम धांधली शुदा मर्दुम शुमारी को नामंजूर करते हैं। आदम शुमारी और मर्दुम शुमारी की बजाय ऐसा लगता है कि आदम खोरी की गई है। कराची में 1.5 करोड़ तो सिर्फ खवातीन है, मर्दों को तो गिना ही नहीं गया। हमारा मुतालबा है मर्दुम शुमारी फिर से होनी चाहिए, हमारी आबादी को सही गिनकर हमें नुमाइंदगी भी दी जाए, तरक्याती फंड्स भी दिए जाएं, हमारे आंसू भी पहुंचे जाए। फारूक सत्तार तो जनाब बड़े ही पूरे अहतमाद और बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे थे कल, बड़ा जबरदस्त उन्होंने ओवरऑल ये जलसा भी किया है, कंडक्ट किया है। लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि दीगर जो और एमकेएम के रहनुमा हैं उन्होंने भी कल जलसे से खिताब किया और काफी दबंग अंदाज में पीएसपी पर तनकीद भी की है। अगर मेयर कराची की बात करें वसीम अख्तर, तो वसीम अख्तर तो कहते हैं कि जनाब हमारे कारकुनान को फोन करके धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा इजहारुल हसन का ये कहना है कि जो लोग विकटे गिराने की बात करते हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की विकटे क्यों नहीं गिराते। उनका मजीद क्या कहना, आइए सुनिए। 22 के बाद उस सुनामी के बाद जो हम आफ्टर शॉक्स बर्दाश्त कर रहे हैं, हम नेक नियति से इस पतंग को लेके चलना चाहते हैं आगे, किसी के धमकाए में नहीं आना। फोन करते हैं बैठ के साथियों को, मेरे मुंह से अब निकल ना जाए, फोन करते हैं कि आ जाओ इस तरफ वरना रास्ते से उठा के ले आएंगे। तुमने इस पार्टी को बदनाम किया है, हम घबराने वाले नहीं है। एमकेएम दुश्मनी में जो जो कराची दुश्मनी कर रहा है, कराची वाले आज उसे यहां अपनी मौजूदगी से जवाब दे रहे हैं। एक साल से सुन रहे हैं ये बात, एमकेएम की विकेट गिर गई, विकेट गिर गई, विकेट गिर गई। अगर विकेट गिरानी है तो पीएमएलएन की गिराओ, पीपल्स पार्टी की गिराओ, अपने घर की विकेट क्या गिरा रहे हो यार। तो जनाब इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से जो है इनके एमकेएम के रहनुमा बात कर रहे थे, ख्वाजा इजहार थे, फैसल सबसवारी थे और काफ़ी पुरजोश जो है जलसा था। ये ओवरऑल टफ टाइम तो दे रही है एमकेएम पाकिस्तान। अब देखना ये है कि आगे चल के इस जमात का जो है स्टांस क्या होता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार साहब ने। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस दफ़ा जो आपके एहतजाज है, जो आपका मुतालबा है वो मर्दम शुमारी के हवाले से, तो आवाम पास तो आप लेकर चले गए अपनी फरियाद, लेकिन ये बताइए कि दीगर सियासी पार्टी भी क्या आपका साथ देंगी, आप उनके पास जाएंगे? मर्दुम शुमारी में कराची और सिंध के शहरों के आवाम को कम गिना गया है, तो ये मसला सिर्फ उर्दू बोलने वालों का या महाजरों का नहीं है, ये मसला यहाँ रहने वाले एक पाकिस्तानी का है, चाहे वो कोई ज़बान बोलता हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलवी हो, बलोच हो, पख्तून हो, हज़ारेवाल हो, सराइकी हो, गिलगिती, बल्तिया, कश्मीरी हो, ये सबका मसला है। तो हमने कहा है कि हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें तमाम कसीरुल इकाइयों को इकट्ठा करना है, यकजा करना है, क्योंकि इसी से उनकी आइंदा की नुमाइंदगी का सवाल है। आबादी कम होगी, नुमाइंदगी कम होगी, आबादी ज़बरदस्ती कम होगी, तरक्याती फंड्स कम आएंगे, पानी के निकासी, आपके कचरे उठाने के जो वसाइल और मशीन, उनका मसला उसी तरह रहेगा, जो इख्तियार है उनका मसला भी उसी तरीके से रहेगा, रोज़गार में उनका हिस्सा और कोटा कम होगा, उनका हक नहीं मिलेगा, दाखिलों में हक नहीं मिलेगा, नए कॉलेज, नई जामियात, नए अस्पताल, डिस्पेंसरी, उनका फंड्स भी नहीं मिलेगा, फिर बहुत सारे और तरक्याती मंसूबे हैं, तो ये सबका मसला है। और फिर चूँकि कराची कौमी शहर है, तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, इसलिए कराची की अहमियत सिर्फ कराची में रहने वालों के लिए नहीं है, कराची में अगर पाकिस्तान की बका दाव पर लगी और हम जब दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, तो कराची से वास्ता लाहौर, पेशावर, कोयटा और लाड़काना का भी एक आम पाकिस्तानी कराची में उसका उतना ही स्टेक है जितना कराची में रहने वाले का। तो कराची की अहमियत को जो है वो समझना चाहिए और कराची को दी लगा। बिल्कुल सही। अच्छा फारूक सत्तार साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप दूसरी जमातों के पास जाने का भी इरादा रखते हैं, तो क्या उस जमात में पीएसपी भी शामिल है? क्या कोई ऐसा इरादा है कि पीएसपी से भी इस हवाले से कोई बातचीत की जाएगी?
देखिए इस मरतबा हम पास जाएं ना जाएं, बकायदा किसी के पास जाएं ना जाएं, ये एक हमारी ऐसी कॉल है, हमने लीड ली है, हमने पहल की है और हम इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हम इसको ओपन करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सिविल सोसाइटी को ज़्यादा मोबिलाइज करें और वो इसकी ओनरशिप ले लें, क्योंकि सिर्फ हमारे बोलने से ऐसा महसूस होता है कि ये कोई MQM का, महाजरों का या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो कि एक दिखाया तासुर दिया जाता है कि ये तो एक एक डिस्ट्रिक्ट की जमात है। तो मैं समझता हूँ कि हम भी ये तासुर नहीं देना चाहते, ये महाजरों का मसला है, ये कराची का मसला और कराची कौमी शहर है, मिनी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का मसला है। कराची के साथ अब नाइंसाफिया और ये जो ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं मालूम कि कल पानी की कमी को लेकर फसादात होंगे, तो वो पानी की कमी के फसादात लसानी फसादात में बदल जाएंगे। तो यहाँ एक मेल्टिंग पॉट है, कई इकाइयाँ हैं, उनको आपस में उनका इंजमाम हो रहा है सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो कराची को उतनी सप्लाई वसाइल की, फंड्स की, रोज़गार की, दाखलों की, तरक्की की मिलनी चाहिए जो डिज़र्व करता है। वो एक पूरे ख़ानदान के लिए लड़ाई कुश्ती लड़ने वाला पहलवान, उसी की खुराक का ख्याल ना रखा जाए। कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, वही पहलवान बीमार हो गया उसे ठीक है कह रहे हैं कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। अगर बात की जाए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के हवाले से और मर्दमशुमारी दोबारा करा दी जाती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो तरीकाकार होता है, तो आपको क्या लगता है कि 2018 में MQM पाकिस्तान दोबारा आएगी और वोट बैंक के साथ आएगी? और दूसरा ये कि अगर MQM पाकिस्तान दोबारा आती है तो जैसे PSP कहती है कि इस दफ़ा वज़ीर आला हमारा होगा, आपका हो सकेगा वज़ीर आला इस दफ़ा? MQM का वोट बैंक तो मैं आपको बहुत दावे से कहता हूं कि लोगों की इस वक्त बुनियादी ज़रूरत उनकी यकजहती और इत्तेहाद है, उसी से उनके मसाइल की हल की ज़मानत मिलती है, उसी से उनके रोशन और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत मिलती है और उसी से उनकी बका सलामती और मुल्क की बका सलामती जुड़ी हुई है। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कयास आरइयाँ हों, दानिश्वर कुछ भी कहें, टॉक शोज में कोई भी बात हो, मैं तो इसीलिए चैलेंज करता हूं कि ये 7-8 सीटें सूबाई असम्बली की, 2 सीटें कौमी असम्बली की, आसिफ हसनैन की, सफियान यूसुफ की। अगर इस दफ़ा PSP ने दावा किया हमने लात मारा है, ये वोट बैंक MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का नहीं है, ये तो लंदन वालों का है, और अच्छा है, तो आए इस ये आप अपनी 7 सीटों पे अपनी किस्मत को आजमा लें। मैं चैलेंज देता हूं सीटों पे हम लड़ते हैं वो भी लड़ें, किसी और को लड़ना है वो भी आके लड़ें। और ये रिवायती हलके हैं MQM के, मेरे ख्याल में 2018 तक हम क्यों लोगों को इंतजार करवाएं, वो ज़हनी कश्मकश में रहे, तो परेशानी में रहे, तो आइए मैदान अमल में आते हैं, फैसला करते हैं, इस्तीफा दिलाएं और हम लड़ते हैं उन सीटों पर इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में मैंने तो आसान फार्मूला दे दिया। फारूक सत्तार साहब ये बताएगा कि इस वक्त नबील कबूल जो है वो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मुशर्रफ साहब MQM के ग्रुपों को यकजा भी करेंगे और 2018 के इंतखाबात से पहले हो सकता है कि वो MQM को लीड भी करें। क्या समझते हैं आप, कितने किस हद तक उनके दावे दुरुस्त साबित होंगे? अगर ये किसी की ख्वाहिश है तो ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा मायूब भी नहीं है, तो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस मौजू पे मेरी बड़ी तफसीली बात हो चुकी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से, दुबई में थे पिछले साल 23 अगस्त के इख्तिताम के बाद, सितंबर में उनका मुझे फ़ोन आया था, मेरी 45 मिनट बात हुई, अच्छा। तो मैंने उनके इस तजवीज़ को उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था, फिर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को मैंने दुबई भेजा और उन्होंने भी एक तफसीली मुलाकात की परवेज़ मुशर्रफ साहब से, अच्छा। और वहाँ पर भी बिल्कुल उनको क्लियरली बता दिया कि ये मुमकिन नहीं है, एक 35 साल से कायम है एक सियासी जमहूरी अमल है, तो इसी को स्ट्रेंथन करे। कोई अमल, कोई जमात अस खुद बुरी नहीं होती, एस ब्रांड बुरी नहीं होती, उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों को निकालें जिन पर मिलिटेंसी का खदशा या शक हो सकता है या था, जो जराइम में हो सकते थे या थे, तो उनको पार्टी में दोबारा ना आने दिया जाए और ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाए और पार्टी को इस तरह के अनासिर से और इस तरह के असरात से महफूज रखा जाए। तो ये और हम सख्ती से कारबंद है, अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की पॉलिसी पर एक पढ़ा लिखा एक साफ सुथरी जमात हमें कायम करनी, जिसमें हम मैं समझता हूँ खासी हद तक कामयाब हुए, तो अब ये बाकी लोगों की सोच हो सकती है। कह रहे हैं आप इस तरह के लोगों को पार्टी से दूरी रखना चाहिए। अच्छा सर एक और चीज़, और वही चीज़ जो बार बार MQM पाकिस्तान से सब सवाल करते हैं, पार्टी वफादारी वाला मसला कि आपके लोग जो हैं वो PSP में जा रहे हैं और यही कहा जाता है जी ड्राई क्लीन होने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वसीम आफ्ताब साहब जो है उन्होंने भी हमारे शो पर ये बात की थी कि बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल होने वाले हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई अगले हफ्ते में ही देख लीजिएगा कितने बड़े नाम जो है वो शामिल होते हैं, तो कुछ बता दीजिए सर कि अब आपको क्या लगता है कि अगला नाम क्या होगा और किस तरीके से आप ये रोकथाम कर सकेंगे पार्टी वफादारियों वाला केस, क्योंकि एटलीस्ट आपको एडवांटेज तो है, एज तो है, क्योंकि ब्रांड नेम तो आप ही हैं।
देखें, आज जो लोग जा भी रहे हैं, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं कि वो बहुत मजबूरी में जा रहे हैं, एक दबाव है, एक जबर है। अच्छा। और परेशानियां उनके मुंह से वाजे है, नज़र आती है। मैं परेशान देखता था अरशद वोरा को अक्टूबर के पहले हफ्ते से, जब ये केस बना, केस की तफ्तीश शुरू हुई और उन्हें भी FIA में एक मरतबा बुलाया गया था। अब ये सारी बातें ज़रूर उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। मैंने तो कहा था कि अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे बताकर जाएंगे, मुझे खुशी होगी, मैं खुद आपको रुख्सत करने आऊँगा। हम तो अपने दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालते। अच्छा। और सैकड़ों हज़ारों लोग जो वापस आना चाहते हैं उनको भी रोका हुआ है ये कह के कि हम आपको भी आजमाइश में नहीं डालना चाहते। ये पहिया खुद ब खुद उल्टा चलेगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबके लिए बराबर की पॉलिसी होगी, ये दबाव और ये जबर हम पे भी ख़त्म होगा, हमारी सियासी सरगर्मियां बहाल होंगी, हमारे दफातर हमें वापस मिलेंगे, लापता साथी बाजियाब होंगे, छापे गिरफ्तारियों का जो बिला सबब जो छापे गिरफ्तारियाँ उनका सिलसिला भी कम होगा, ख़त्म होगा। तो देखिएगा ये पहिया कैसे उल्टा चलता है। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आप देखिएगा कि फिर किस तरह MQ। अच्छा सर, अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि अरशद वोरा साहब भी जो हैं वो पार्टी उन्होंने तब्दील की है अपनी, तो आप लोगों ने उनके मुसाफी ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला किया था, और तो पहले तो ये बताएगा कि उन खत के नुकात क्या होंगे, और दूसरी चीज मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अगर इलेक्शन कमीशन में भी आपके इस केस की सुनवाई नहीं होती है, आप लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता, तो फिर MQM क्या करेगी? हमने अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन सोच विचार हो रहा है। अच्छा। मेरे ख्याल में आज हम बैठेंगे और किसी वक्त ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बेशक हम इस बात के हमेशा मुंतजर रहेंगे, खाहां रहेंगे। अरशद वोरा हमारे अच्छे साथी थे, अच्छे साथी हैं, अच्छे इंसान थे। ठीक, बिल्कुल। आप में अरशद वोरा साहब जो अच्छे इंसान हैं, और अगर वो आपको बता के जाते तो आप खुद उनको जो है वो सी ऑफ करते। बहुत शुक्रिया MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे पार्टी वफादारियों के हवाले से, अपने तहफ़ात के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से। तो अगर देखा जाए तो एक साइलेंट मैसेज उन्होंने जो है वो दे दिया है अपने तमाम रहनुमाओं को कि भाई जो भी जाए वो बता के मुझे चला जाए, और इसी तरीके से मैं उनको सी ऑफ करूंगा। और फिर पहिया जब उल्टा घूमेगा तो फिर देखना यह है कि वो पहिया किसके ऊपर चढ़ेगा। तो MQM पाकिस्तान का अपना स्टांस है, वो अपनी जगह कायम है, और कल उसने अपनी सियासी पार जो है वो बिल्कुल जनाब, इस हवाले से मजीद भी कुछ बातचीत करेंगे। और ओवरऑल जो हम इनकी जानिब से देख रहे हैं कि मर्दमशुमारी को इन्होंने इशू बनाया है, तो मर्दमशुमारी के हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पब्लिक इशू को उठाया जा रहा है ताकि इंतखाबात से पहले आवाम की थोड़ी सी हिमायत इन्हें हासिल हो जाए। तो ये तमाम तरफ आहें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन एक इवामी मसला उठाया बात भी की थी। हाँ। बहुत ही खूबसूरत के एडिटोरियल में कौन कौन से मौजूद जेरे बहस है, आई एम श्योर के कौन सा मौजूद बहुत जेरे बहस होगा। नफीस सईद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नफीस साहब, एक बड़ी ही जबरदस्त धमाकेदार कॉन्फ्रेंस कम फिल्म हमने देखी रात को, और काफी ज्यादा उसके ऊपर बयानबाजियां तो हो चुकी हैं, तजिए भी दिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, पहले तो आपका मौकफ जान लेते। औकात नहीं आंख से आंख मिलाने की, दावत दे दावे कर रहा है नादान नाम मिटाने की। उन्होंने दावा तो किया था कि मैं जो ड्रामा नंदन वाला नहीं है, और उनका दावा सही था क्योंकि वो ड्रामा नहीं था, वो पूरी एक। चले नफीस भाई, MQM के हवाले से तो इतनी सारी हम लोगों ने बातचीत की है और आगे भी आपके आपसे इसी बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारे पास करंट न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो मामला है वो एक दफ़ा फिर से सामने आया है, मंजर आम पर आया है, और इस हवाले से जो बेंच है वो इसके हवाले से कार्रवाई भी करेगा। और अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से शेख रशीद साहब बहुत अरसे से दावा करते रहे हैं कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस अगर खुल गया तो लोग पानामा को भूल जाएंगे, लोग और दूसरा तमाम जो करप्शन के केसेस भूल जाएंगे। ये जो है वो कहते थे कि मदर ऑफ द करप्शन है ये केस, और इसमें शहबाज शरीफ साहब भी का नाम भी बहुत ज़्यादा उस पर लिया जाने लगा है, और ये नून लीग के अलावा जो है इन शरीफ बरादरान के यानी इन मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर बातें ये आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि उनको अब नाअहल जब वजारत उज़्मा के हवाले से कर दिया गया था पार्टी सदर के बाद, बहुत लोगों ने चीनी की उनके हवाले से, तो ये बात ज़्यादा अब आ गई थी कि जो रेन संभालेगा नून लीग का वो होंगे शहबाज शरीफ। तो अब अगर शहबाज शरीफ भी इस केस में जाते हैं और बकौल शेख रशीद के वो बड़े दावे करते हैं, तो उनके हिसाब से तो ये शहबाज शरीफ का भी जो है बाप बंद होने लगेगा सियासत का। तो ये अगर केस खुला और उनके लिए मुश्किलात खड़ी हुई, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नून के लिए, खासकर उसकी क़यादत के लिए सेटबैक है। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि अब जैसे कि PTI मुतालबा कर रही थी कि अब आप हुदैबिया पेपर मिल केस भी खोल लें, मॉडल टाउन का केस भी खोल लें, ओवरऑल हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी ऑलरेडी काफी केसेस में घिरे हुए हैं, तो ये जो मेन दो सतून हैं नून लीग के, अगर दोनों ही इस तरह के केसेस में
घिरे होते हैं, तो इसके बाद आपको क्या नजर आता है अगर ये भी किसी तरह इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो फिर नून लीग की क्यादत किसके हाथ में होगी? क्या समझते हैं आगे इंतखाबात में कौन लीड कर रहा होगा टीम को? देखिए, अभी हमने देखा था ना, मरीम नवाज शरीफ का नाम बहुत आ रहा था, जिसमें उन्होंने क्लेम भी किया था। पहले तो उन्होंने क्लेम ये किया कि कायदा समझती है कि मेरे अंदर वो जरासीम है, वो एसेंस है कि मैं पार्टी कायदा संभाल सकूं। आई टोटली एग्री। फिर बाद में उन्होंने ट्वीट के जरिए जो है उसको थोड़ा सा मेकअप भी किया कि भाई वो मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। लेकिन बहरहाल यही वजह तनाज़ा भी बनी थी, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा थे उनके साइडलाइन होने की वजह भी ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि मरीम नवाज को उनसे ज़्यादा फोकियत दी जा रही है, उन्हें नेक्स्ट लीडरशिप जो नून लीग की वही कमांड संभालेंगी। इस हवाले से अगर शहबाज शरीफ भी इसमें जाते हैं और वो भी कहीं इस तरह केस आगे चल के देखते हैं, अगर वो नाहली की तरफ जाते हैं और वो किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं होते, तो फिर ये जो जनरेशन है, अगली नस्ल है, हमजा शहबाज और मरियम नवाज, इन्हीं के नाम आएंगे, क्योंकि ये तो हम मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है कि वो अपनी जो हम कहते हैं कि लड़ाई चल रही होती है वही अपने बच्चों को आगे लाएगी। तो इस हवाले से आगे अगली क्यादत तो यही हो सकती है इनकी। अच्छा, अगली क्यादत तो यही हो सकती है, लेकिन अगली क्यादत के ऊपर भी बड़े एलिगेशन है नफीस नईम साहब। मतलब अगली क्यादत भी तो मुश्किल में है। अगर आप मरियम नवाज की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी एलिगेशन है। हुसैन हसन नवाज तो पहले ही जो है वो नैब के जमरे में आ चुके हैं, उनके ऊपर केसेज हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेज हैं, और फिर ऊपर से ये हुदैबिया पेपर्स मिल्स का जो मामला है, शरीफ खानदान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन करीब आने के वक्त ये खुल गया। इसका मतलब है अभी तो आईटी की रिपोर्ट जो अभी आपको देख रहे हैं नैब में, जो अन्य अदालतों के केसेस में ये ज्यादातर सामने आ रहा है बात कि वो केस सजा की तरफ जा रहा है। तो अगर ये कहानी होती है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों जाते हैं, और फिर मरियम नवाज को जिसका आप देख रहे हैं कैप्टन सफदर भी, एक पूरी की पूरी जो शरीफ फैमिली है जिस तरह कह रहे हैं कुछ सफाया हो जाएगा, तो ये तो लग रहा है कि एक डायनेस्टी जो है वो चौधरी निसार के चांसेस तो खैर सबा बहुत कम है, क्योंकि नवाज शरीफ चाहे खुद भी हो मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर आप कह सकते हैं कि अगले इंतखाबात में नून लीग ही होगी। इस चीज के हवाले से कोई कमेंट? देखिए, इंतखाबात के अगर हवाले से ना आप देखें ना, तो नून लीग का अभी तक तो वोट बैंक जो है वो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा होगा उस पर, लेकिन क्योंकि पीटीआई जो है वो नून लीग को टफ टाइम जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नून लीग का बिल्कुल ही सफाया हो जाए। पीपल्स पार्टी चाहे कितने भी अपने उसने बागदोश ने कमर कस ली है, खूब कमर जमान कह रहा है, वहाँ पंजाब में बड़ी कैंपेन चला रहे हैं और भी बड़ी अलायंसेस हो रही है। एनीवे, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ थे और इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात कर रहे थे। जो भी ओवरऑल अपडेट्स इस हवाले से आएंगी इनसे आपको जरूर आगाह भी रखेंगे। वो इलेक्शन जीते रहे, इनका इतिहाद कोई फर्क नहीं डालता। इनका जितना वोट है, जितना लेजिटिमेट इनका वोट है, जितना जेन्युइन ओरिजिनल इनका वोट है, वो इनको पड़ जाए वो कोई मसला नहीं है, हम उनका मुकाबला उस पर करेंगे। लेकिन अगर इतिहाद बनाने के बाद 2018 में इनको भी उसी किस्म की आज़ादी दी जाती है जो अल्ताफ हुसैन की एमक्यू को थी, जिस तरह गुंडागर्दी करके, पोलिंग स्टेशन पर कब्जे करके, डब्बे बदल के, ज़बरदस्ती वोट डाल के वो अपनी मर्जी के नतायज लेते थे, अगर 18 में ये होने जा रहा है खेल है, और उस पर फिर जाहिर है कि सियासी जमातें रेजिस्ट भी करेंगी, उसके नतायज भी अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये इत्तेहाद करते हैं, अपने वोट लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, वोटों के मुकाबले में हम इनसे बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छा सी साहब, एमक्यूएम और पीएसपी के इत्तेहाद को इस वक्त निकाह का नाम भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी सब कुछ हो गई है, तो सर आप ये नहीं समझते कि अभी शादी की उम्र ही नहीं आई थी? मतलब ये कि इन दोनों जमातों के मिलने का अभी ये सही वक्त था ही नहीं और ये मिलने जा रहे थे, तो और इसी वजह से आप समझते कि अलैदगी भी हो गई? मेरा ख्याल है कि अभी निकाह तो नहीं पढ़ाया गया था, रिश्ता ही हो रहा था, और उस रिश्ता तय होने के फौरन बाद जो है ना, वो दोनों तरफ के बुजुर्गों ने, बड़ों ने, जो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने गन डाल दिए। सही कह रहे हैं सर, लेकिन सईद गनी साहब की बात करेंगे, जिन्होंने ख्वाब भी देख लिया और शायद इस निकाह की जो है पेशगोई भी कर दी थी मंजूर रसान साहब ने, तो उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो क्या सिर्फ 24 घंटे के लिए पूरा हुआ? क्योंकि 24 घंटे बाद तो ये दोनों अलग हो गए, अब क्या करेंगे मंजूर रसान साहब? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मंजूर रसान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और एक लंबी उम्र उन्होंने सियासत में गुजारी है, तो वो जो बातें करते हैं उनका तजिया होता है, उनका तजर्बा होता है, जिसकी बुनियाद पर वो ये बातें करते हैं। मुझे नहीं पता कि वाकईतन वो ख्वाब देख के करते हैं नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनके सियासी तजिये होते हैं जो अमूमन दुरुस्त साबित हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो मंजूर वसान बहुत सी पेशगोईयां करते हैं, ये जो उन्हें ख्वाब आते हैं किस टाइम आते हैं? मतलब उनके ख्वाब में कौन आकर उन्हें ये सब कुछ बता देता है और वो इस तरह की पेशगोईयां कर देते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ख्याल है कि उनके सियासी तजिये होते हैं,
میں نہیں سمجھتا کہ منظور وسان صاحب کو کوئی آ کے بتاتا ہوگا, لیکن ظاہر ہے دیکھیں میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں جی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اپنے پولیٹیکل دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں, بالکل, اور جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اپنا ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ہمیں آ کے بتاتا ہوگا اور فیڈ کرتا ہوگا, اور ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی بات یقین سے کہنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو روزمرہ جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس میں کسی بھی شخص کو, میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو جی, آپ کا جدھر اشارہ ہے تب ایون وہاں سے بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ کیا نہیں ہونے جا رہا. اب آسان جیوں پہ اچھا, منظور وسان کے مطابق تو ایم کے ایم کا سربراہ دبئی سے ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی ایم کے ایم کی قیادت کو دبئی سے لیڈ کیا جائے گا یا پھر کراچی سے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے میں اس پہ کمنٹ کرنا کوئی میرا مناسب نہیں ہے, ان کی جماعت ہے وہ جس کو چاہیں بنائیں, کسی اور مشرف کو نہ بنائیں, عشرت العباد کو نہ بنائیں, فاروق ستار کو نہ بنائیں, مصطفیٰ کمال کو نہ بنائیں, کسی اور پانچویں آدمی کو اٹھا کے بنا دیں, یہ ان کا حق ہے, ان کی مرضی ہے. لیکن جو اتحاد غیر فطری ہوتے ہیں, جو زبردستی یا دباؤ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں, جس میں اب آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ ایم کیو کے اندر کتنے اختلافات ہیں, اب اطلاعات ہیں کہ شاید پی ایس پی کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اعتراضات سامنے آئے ہیں, اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ کسی ایسے شخص کو اس پارٹی کا سربراہ بنائیں جس کا بظاہر ان کی جماعتوں سے کوئی تعلق نہ ہو. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فاروق ستار چند دن پہلے نواز شریف کو مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی آپ بہت مشکل میں ہیں, آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے, عدالتیں ادارے آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ پی ایس پی میں شامل ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مشورہ میں نواز شریف کو دیا تھا خود کر رہے ہیں اور اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے وہ پی ایس پی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک, اچھا سب آخر میں یہ ضرور بتائے گا کہ اتحادوں کا دور چل رہا ہے, بڑے بڑے اتحاد ہو رہے ہیں, کیا مستقبل میں پیپلز پارٹی کا بھی کسی سے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ تحریک انصاف جو ہے بڑی کوششیں کر رہی ہے اس وقت کراچی میں بھی انٹری کرنے کی, تو کراچی میں تحریک انصاف یا کسی دوسری بڑی جماعت کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں ابھی الیکشن تو کافی آگے پڑا ہے, میں یقین سے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے, لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے, جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, اس رویے کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کو یا اور جو دیگر جماعتیں شہر میں ہیں صحیح. ان کو اتحاد کی ہم سے زیادہ ضرورت ہوگی. فی الوقت اگر آج کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تن تنہا کراچی میں الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے رنجیت غنی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی گڈ مارننگ آج کا جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے.